हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छी होंगी। सो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आपको सुबह अपना ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। तो इस टाइम तक जो है मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और उनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने अपने लिए ये चाय और पोहा बनाया और मैं ये खा रही हूँ। उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे आज का मैं फुल डे व्लॉग शेयर करूंगी और मैंने आज का फुल डे व्लॉग ही शेयर किया है। सो प्लीज कंटिन्यू विद मी एंड स्टे विद मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जो है अभी अपने यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो एक सेक्शन में ये जो वोकैब है, पहले मैं उसका रिवीजन करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली नई वोकैब को मैं पढ़ती हूँ और उसका वीडियो देखकर मैं एक ऑनलाइन सर है उनको मैं फॉलो करती हूँ, तो उनको मैं देखती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ एंड देन रिवीजन करती हूँ। काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता कि पूरा काम एकदम फिनिश हो जाए फिर पढ़ाई करूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं काम करने के बाद थक जाती हूँ और फिर मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैं थोड़ा सा गैप ले लेके ही करती हूँ, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं इस चीज़ को, और पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थक कर पढ़ाई करो तो वो नहीं होती है, वो इफ़ेक्टिव, मतलब वो इतनी अच्छी वाली पढ़ाई नहीं होती है। अगर थोड़ा सा बॉडी थकी नहीं है, पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, फिर पढ़ने के बाद जब मैं थक जाती हूँ तो मैं काम करती हूँ तो मैं वो चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये। तो अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मैं लंच बना चुकी हूँ, अपना भी बना हुआ है, उनको भी मैंने लंच बॉक्स पैक करके दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, झाड़ू में लगा चुकी थी पहले ही, अभी जो है मैं पढ़ाई कर रही हूँ नाश्ता करने के बाद। तो एक सेक्शन तो मैं पूरा कंप्लीट करके ही उठूँगी, उससे पहले उठूँगी नहीं। जो मुझे वो कैब करनी है वो मैं पूरी करूँगी, नोट्स बनाऊँगी, देन तब उसके बाद ही उठूँगी, तब तक मैं इसी तरीके से पढ़ती रहूँगी।
अभी मैं जो है पढ़ाई करके, मेरा वो सेक्शन कंप्लीट हो गया, मैं कर रही हूँ करके काम। तो थोड़ी सी डस्टिंग की है मैंने पहले, डस्टिंग करने के बाद फिर से गंदगी हो जाती है, पूरा कैबिनेट वगैरह, टीवी कैबिनेट, सब मतलब सब कुछ मैंने क्लीन किया, और बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन की है। देन मैं और अच्छे से सफाई करूँगी, और बाकी के जो घर के जो भी काम है उनको मैं कंप्लीट करूँगी अभी। बालकनी को खोल के देखा तो देखा कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा, और हल्की हल्की बौछार वाली बारिश हो रही थी। इससे पहले जो है धूप हो रही थी बहुत तेज, और एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। मैंने बालकनी का गेट खोल दिया और सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, वो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है।
सो घर की चीज़ें मैंने मैनेज कर ली हैं, काम थोड़ा ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ ये अजवाइन और जीरा वाली टी। आप इसको टी बोल सकते हैं या फिर आप इसको, मतलब मैं पीती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने अभी तो आज, मतलब कभी दालचीनी डाल के, कभी अजवाइन, कभी जीरा, ऐसे में बना के पीती हूँ। तो मैंने ये अजवाइन 1 चम्मच डाली थी और दालचीनी के टुकड़ा, इसको अच्छे से मैंने बॉईल किया है और फिर अब मैं इसको पी लूँगी। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे को बहुत हेल्प करता है। मुझे, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है ना, उनके लिए तो बेस्ट है ये। तो नहा चुकी हूँ मैं, नहा धोकर फिर मैं ये अपनी ये ग्रीन टी ले रही हूँ। मेरे लिए यही ग्रीन टी है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, कभी तुलसी डाल के बना सकते हैं, कभी कुछ, मतलब हर रोज़ सेम नहीं पीना है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए। कभी सौंफ, कभी अजवाइन, कभी जीरा, कभी दालचीनी। तो इससे क्या है ना, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, प्लस आपको गैस जो बनती है उन लोगों को गैस नहीं बनेगी। नहाने धोने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन टी लेके रखी हूँ, बैठी हुई हूँ, वो भी पीऊँगी साथ के साथ। मैं अब पढ़ने भी बैठ गई हूँ तो बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पे अब कंप्लीट करूँगी। पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद, लंच करने के बाद, मैं थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ पे बना रही थी पोहा वाली, जो नमकीन घर में हम रोस्ट करके बना सकते हैं, वो बना रही थी। तो ये जो पोहा है एकदम पतला वाला पोहा है, आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा वाला पोहा ले सकते हैं, उसकी भी अच्छी बनती है। नमकीन तो सबकी अच्छी बनती है, इसकी भी अच्छी बनती है। तो मैं इसको इस तरीके से जाली वाली जो ये छलनी होती है इसमें डाल के मैं इसको अच्छे से छान रही, ताकि इसमें जो भी डस्ट होगी, जो भी चीज़ होंगी, सब बाहर आ जाती है। देखिए ये देखिए, इसमें ना चूरा चूरा सा होता है, सब नीचे आ गया है। ये सब बहुत अनोइंग होता है, पाउडर पाउडर सा कर देता है, नमकीन को ख़राब कर देता है। तो मैं बिल्कुल लेस ऑयल में बनाऊँगी ये नमकीन। और एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने ससुराल, तो वहाँ जाने से पहले मैं ये सब बना के रख के जाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, ताकि वो मेरे बाद इसको खा सकें। इसको बनाने के लिए ना ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करना होता है। मैंने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा रिफाइंड खाना। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल हल्का सा, ज़्यादा सा गर्म हो जाए, आप उसमें डाल देंगे ये पोहा। और बस इसको धीमी धीमी आँच पर आपको रोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है। एकदम तेज़ आँच पर करेंगे तो वो जल जाएगा, और लगातार इसको चलाते रहिए ताकि वो अच्छे से ना कुरकुरा हो जाए, एकदम रोस्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इसको जो है अभी काफी देर तक मैं इसको इसी तरीके से चलाती रहूंगी और इसको रोस्ट करूंगी मैं। रोस्ट हो जाने के बाद मैंने इसको एक इस बड़े बर्तन में निकाल लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद नमक। साथ में मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला, प्लस इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और अगर आप चाहें तो भुना हुआ जीरा पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं।
तो मैंने वो भी एक चुटकी डाला था, बस यही सारी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा चाट मसाला मैं डालूंगी। तो ये सब चीज़ें आपको डालनी होती है, काफ़ी टेस्टी यम्मी सा बन जाता है ये। अब उसी कढ़ाई में मैं पीनट्स भी फ्राई कर लूँगी और उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो ये कुछ कुछ मेरे पास ना ये फ्राई करके खाने वाली जो होती है ना, इनको कचरी भी बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो इन सबको मैं फ्राई करके इनको थोड़ा सा क्रश करके मैं उसी नमकीन में उसी पोहे के साथ इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं मिक्स करने के बाद वो जो नमकीन थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लेकर आने के बाद मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में मिक्स भर के रख दूँगी। और इसी के साथ अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं पकौड़ी बनाऊँगी, उसी कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी जिसमें मैंने ये पोहा रोस्ट करके बनाया है। तो कड़ी के लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और उसमें नमक डाला है, अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हींग डालूंगी। सबसे पहले पकौड़ी बना रही, तो पकौड़ी में ये सारी चीजें चाहिए मुझे। और बिल्कुल सिंपल वाली कड़ी बना रही हूँ, जैसे मेरे गांव में बनती थी वैसे सिंपल कड़ी एकदम। हल्का सा इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बस हल्का सा, बहुत चुटकी भर, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इसको मैं मिक्स करके इसकी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। कढ़ी का जो हम ये पकौड़ी बनाते हैं ना, तो उसका जो आपको पेस्ट बनाना है उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए, ताकि कढ़ी के जो जो बेसन का जो वो घोल है ना उसमें लम्स ना पड़े, प्लस वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी पतला हो जाएगा। तो मुझे बहुत देख आप लोग खुद ही देख रहे हैं, मैं बहुत कम कम पानी डाल रही हूँ और उसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से फेंट रही हूँ उसको। और फिर इसके बाद में एक जैसे नॉर्मल पकौड़ियों वाला जो पेस्ट होता है वो बन जाएगा, फिर हम लोग उसकी पकौड़ी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर तेल चेक कर रही थी कि गर्म हुआ है या नहीं, तो गर्म हो चुका है। और देखिए मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका होता है ना पकौड़ी बनाने का, कढ़ी वाली जो पकौड़ी बनाने का होता है वो तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ। ऐसे ही मेरी मम्मी बनाती है हाथों से, आप स्पून का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गोल गोल जो पकौड़ी बनती है ना वो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। पकौड़ियाँ तो बन चुकी हैं, जिस बर्तन में मैंने पकौड़ी का घोल बनाया था उसी में मैं अभी जो है बेसन मैंने थोड़ा सा घोल लिया है पानी के साथ में, और इसी में मैं दही वगैरह मिक्स कर दूंगी इसी बर्तन में। और देखिए मैं सारा दही डाल रही हूँ, और छाछ वगैरह जो भी डालनी होती है आप उसका घोल बना के तैयार कर लीजिए, और फिर मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ बेसन है और दही है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि बेसन और दही में कोई भी लम्स ना रहे, एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए। तो कढ़ी बनाने के लिए सरसों का तेल मैंने गरम किया, और उसमें मैंने डाला है मेथी दाना और साबुत धनिया जो होता है वो। साबुत धनिया आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं डालती हूँ। और हींग डाली है मैंने काफ़ी थोड़ी ज़्यादा सी, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, और साबुत धनिया भी मुझे कढ़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लस बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है, और अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। प्याज के साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची और करी पत्ता ऐड कर दिया है। अब इनको भी मैं अच्छे से सबको मिक्स करके अच्छे से फ्राई करूंगी।
सो अभी मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। इसमें मैंने डाली है हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, कलर वाली है, और साथ में हल्का सा आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। बस उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने जो घोल बनाया हुआ था बेसन और दही का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी, जितना कड़ी को स्टार्टिंग में पतला ही रखना होता है। देखिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, और फिर आप उसको पकाएंगे ना तो पकते पकते वो गाढ़ी होने लग जाती है, और इसको अच्छे से पकाना। तो अगर आपकी कड़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी टेस्टी बनेगी, फैक्ट है। आप इसको अच्छे से पकाइए, और अच्छे से पकेगी तो बहुत टेस्टी बनेगी। जब कढ़ी ऑलमोस्ट पक जाए तो उसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दीजिए और 2 मिनट तक पकाइए, देन उसको बंद गैस को बंद कर दीजिए। और यहाँ जो है मेरी कढ़ी अच्छे से बन करके तैयार हो गई। मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे बर्तन में। देखिए काफ़ी यमी है, हरा धनिया नहीं था मेरे पास वरना मैं उसको भी डाल देती। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करना तो भूल गई, ये मैं भूल ही गई कि मैंने एंड नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट अगले दिन और अगले व्लॉग में। अभी जो है खाना पीना खा चुके हैं, डिनर हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेटी हुई हूँ, थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।